लेकिन बहुत सिंपल थे लेकिन टू द पॉइंट थे। मतलब ज्यादा उन्होंने फ्लो चार्ट्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह ये यूज नहीं किए थे, लेकिन जो भी लिखे थे ना वो एकदम, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया स्पेसिफिक उसके बारे में था। और कहीं कहीं फ्लो चार्ट यूज किए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसमें है कि मतलब था कि हमारे इंडिया में जो गुड्स आ रहे हैं वो काफी, मतलब अगर हम चाइना पे कभी कभी, जैसे अभी रिसेंटली जब वो 2020 के आंसर से इनके, तो गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था, तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो उन्होंने ये फ्लो चार्ट के थ्रू मेंशन किया कि हमें रीरूटिंग पे भी काम करना होगा। अब जैसे चाइना है, श्रीलंका हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्टनर है, ठीक है, तो चाइना क्या करती है, गुड्स अपने श्रीलंका में डंप कर दे रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहा है, तो रीरूटिंग के थ्रू तो आ ही रहा है। तो ये सब कुछ कुछ अलग चीजें थी जो मुझे देखने को मिली, जो आंसर को काफी इनहेंस कर रही थी। और मोस्टली इनके आंसर काफी सिंपल थे और एकदम जो क्वेश्चन में पूछा गया एकदम उसी से रिलेटेड थे। बेसिकली ये जो दो टॉपर्स के कॉपी मैंने जो एनालाइज किया, उनका जो क्रक्स यही था कि दोनों अलग अलग टॉपर है, दोनों अपने फील्ड में टॉपर है, ठीक है। तो श्रुति शर्मा का जो पेपर था उनके पेपर में डायग्राम्स वगैरह का यूज काफी था, ठीक है, और डायग्राम इंट्रोडक्शन सबके टू द पॉइंट थे। मतलब जो भी क्वेश्चन में, ज्यादा डिबेट नहीं होना, 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन है, बॉडी जो है, बॉडी में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे रिलेटेड है। हाँ, जागृति अवस्थी के पेपर में ये था कि उन्होंने पॉइंट्स को अच्छे से, मतलब एक एक लाइन करके 6-7 पॉइंट दिए थे। श्रुति शर्मा के पेपर में ये था कि उन्होंने फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, इन सब का यूज ज्यादा किया था। कंक्लूजन दोनों का टू द पॉइंट ही था। श्रुति शर्मा के कंक्लूजन में एक चीज अच्छी देखने को मिली कि मोस्टली हम लोग जैसे कंक्लूजन में भी पैराग्राफ वाइज कंक्लूड कर देते हैं 5-6 लाइन में लिख के, उन्होंने फ्लो चार्ट वगैरह का यूज कंक्लूजन में भी किया था। जैसे एक पुअर्टी का क्वेश्चन दिखा, एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ, ये जो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये पुअर्टी का क्वेश्चन है, तो उसको टैकल करने का इकोनॉमिक और सोशल, तो सोशल वेलफेयर मेजर्स और कि एक इकोनॉमिक वे से भी टैकल कर सकते हैं, एक सोशल वे से भी टैकल कर सकते हैं, तो ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन था। उन्होंने एग्जाम्पल्स काफी अच्छे अच्छे कोट किए, जैसे है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर ऑन इंडियन ट्रेडिशन, तो इसमें हम लोग, इसमें इन्होंने 5-6 डाइवर्स तरह की एग्जाम्पल्स यूज किए, ड्रेस ड्रेस में क्या क्या, जैसे हम लोग कुर्ता पैजामा है या नारकली सूट है, तो वो कहाँ से, कौन से फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस है, तो वो पर्शियन का है। आर्ट है तो जैसे हमारा गंधारा आर्ट है, ग्रीको रोमन आर्ट है, म्यूजिक कवाली कहाँ से है, तो वो दिल्ली सल्तनत के टाइम से आई है, तो ये सब उन्होंने काफी अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए थे। एक ये जो है, मतलब एक लाइन को काफी छोटे में समराइज कर दिया कि पुअर्टी का कारण क्या है, तो अगर अनएजुकेटेड वीमेन है तो वो ज्यादा मोर चिल्ड्रेन बियर करती है, मोस्टली ये देखा गया है, और ज्यादा बच्चे होंगे तो चाइल्ड लेबर की प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये सब काफी अच्छी अच्छी चीजें थी। हीट वेव्स का ये काफी अच्छा वेल कोटेड एग्जाम्पल था सर, एक क्वेश्चन था हीट वेव पे, तो उसके कंक्लूजन में उन्होंने लिखा था कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने चाइना की स्पॉन्ज सिटी का एग्जाम्पल कोट किया था कि हम उस मॉडल पे कुछ अपने इंडिया में भी कर सकते हैं। उन्होंने मिहिर शाह कमेटी का रिकमेंडेशन कोट किया था, उन्होंने कुछ कुछ इनिशिएटिव जैसे पंचमित्रा, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स, ये कोट्स किए थे। कुछ कुछ रिसोर्सेज जो, जैसे एक क्वेश्चन था जैसे लिथियम पे, कि लिथियम कहाँ पे मिलता है इंडिया में, तो इंडिया में तो सर अभी उतना है नहीं, अभी इनिशियल स्टेज पे, और वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने मैप के थ्रू दिखाया था, वर्ल्ड मैप के थ्रू, तो वो आंसर्स को काफी अच्छा से, मतलब वेल प्रेजेंटेड था। और हाँ, एक ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट का क्या रोल रहा नेशनल कॉन्शियसनेस को इरोज करने में, तो उन्होंने हर एक काफी अच्छा सा मेंशन किया। जैसे दयानंद सरस्वती ने, उनका फिलॉसफी थी कि बैक टू वेदास, तो बैक टू वेदास था तो ये एक कॉमन था, सब लोगों को अपील था, तो लोग एक तरह से जुड़ रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक इमेज, वो जो ये मतलब पेंटिंग वेंटिंग, टैगोर वो कौन सा था सर, शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में उन्होंने भारत माता की एक इमेज पोर्ट्रेट की, तो ये एक कॉमन सा इमेज बन गया जो पूरे इंडिया में चलने लगा कि हाँ हम सब एक हैं। और इसी तरह वंदे मातरम की सॉन्ग जब आई बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो वो भी काफी, एक तरह से देखा जाए तो मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे, डाइवर्स फील्ड से थे, कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से लिए जा रहे हैं। और ये जो, ये मुझे काफी अच्छा लगा था, ये जो वेन डायग्राम में उन्होंने यूनिटी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो समझाया कि एक दिल्ली के अंदर 4 कॉलोनी बना दी, करोल बाग में पंजाबी लोग ज्यादा हैं, सीआर पार्क में बंगालीज पॉपुलेशन ज्यादा है, मजनूर का टीला में तिब्बतियन रिफ्यूजी ज्यादा है, अमर कॉलोनी में पंजाबी रिफ्यूजी ज्यादा है, और वो चारों कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली के एक में, तो इट इज असिमिलेशन ऑफ डाइवर्सिटी और यूनिटी भी है, तो ये काफी अच्छा था मुझे लगा। वो जो कोट कोट्स यूज किए थे कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, ये भी काफी अच्छी चीज थी। तो श्रुति शर्मा के पेपर से तो सर यही था कि काफी सारा उन्होंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इनका मिक्स किया था,
तो वो काफी पेपर को मतलब एक एग्जामिनर्स के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है उन्हें पेपर पढ़ने में भी काफी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ चीजें वेल सिंप्लीफाइड है। जागृति अवस्थी का जो आंसर थे वो टू द पॉइंट है, उसमें ज्यादा फ्लो चार्ट्स वगैरह नहीं थे, लेकिन जो भी मतलब क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उनको उसको काफी अच्छे से वेल एक्सप्लेन था। मतलब उनका भी ऐसा था कि 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, जो भी कीवर्ड्स है उसके बारे में, और जो भी पूछा गया है, जैसे अगर नीड पूछा गया है, कॉजेस पूछा गया है, या वे फॉरवर्ड है, तो जो भी क्वेश्चन का थीम है उसको वो डिस्कस उन्होंने डिस्कस किया है और लास्ट में कंक्लूड किया है। तो यही था सर क्रक्स। मतलब बेसिकली आपने जो एनालाइज किया वो काफी अच्छा था, बट एक मेरी ओर से सजेशन आपको और है अनुभव, हाँ और हाँ बाकी जितने बताइए। लोग सेशन में हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक ही कॉपी में सारे नोट्स नहीं बनाने हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज टेक 4 शीट्स, और अभी अपना स्क्रीन शेयरिंग आप ऑफ कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग द ठीक स्क्रीन है नाउ। ठीक है। सो बेसिकली सज्जन एंड ऑल, जितने भी आप लोग ग्रुप में हैं, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, देखिए आप 4 कॉपी बनाइए, 4 कॉपी GS 1 2 3 4, उसके अंदर सब टॉपिक्स डिवाइड कर लीजिए, जितने भी सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने भी है, तो टॉपर्स की कॉपी एनालिसिस करना शुरू कीजिए। जैसे ये मंदार की कॉपी है, तो ही हैज मेड नोट्स इन दिस वे, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको भी जो नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू डिवाइड योर शीट्स इन 4 पेपर्स पेजेस को 3 उसमें डिवाइड कर लेना है, मतलब लाइक दिस, और जितना छोटा हो सके यू हैव टू राइट, बिकॉज अल्टीमेटली होगा क्या, लास्ट में जब आपके पास 600-700 पेजेस होंगे ना, दैट वुड बी अनरिवाइजेबल। आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप लास्ट के 15 मिनट में भी उन नोट्स को गो थ्रू कर सके। आई शेयर सम, एक श्रेयंस ने शायद आई थिंक एक इमेज बनाई हुई थी कीवर्ड्स ऑफ IR करके, तो वो आई आई शेयर विथ यू। तो बेसिकली करना क्या है हमें, अल्टीमेट एम इज दैट कि जितना कंसोलिडेट हो सके नोट्स उतने। teaching another admin of mains consolidation program. Did you hear me? You are audible, sir. Actually, for mains, what you have to do, you people just make notes by consolidating everything. The note should be like you should able to revise that one paper, like GS paper one notes. Let's consider like take it GS paper one. You have to revise it in within 1 day. So your notes should be like that. Otherwise, whatever notes you made, if it is more lengthy, then you can't revise in the last few days before the mains preparation, mains tests are going to you are going to write. So just you have to consolidate the notes within. It's like it should be like gist, but whenever you see the notes, you have to remember the content. For main content, you should have normal notes. But for revising, you should have at least some short notes that should be revisable within 1 day. That's the main motto for mains when you are revising things. And for GS Just two, sorry, huh? Yeah. Tell sorry me. for interruption. Can you repeat this point, like for main notes, what was it? See, main notes is like your original notes, that lengthy one. Okay, whichever you take Lakshmikanth or you take Ramesh Singh from economics, or you take lexicon from ethics. Okay, from that reference notes, you have to make some gist notes. That gist note should be like whenever you see that gist content, you should remember the whole content. Basically that is the aim and motto of our program, Vishnu. I would like to inform you that that in this group there are around 5-10 rank holders already. They are here for rank improvement, 673 and 520 and more people are there. So basically the problem they were facing is consolidation of material. So basically people are there who are in services, they want rank improvement, but the problem is they are unable to consolidate. So this program aims basically you consolidate your own notes along with consolidation of toppers copy. So basically आपको 4-5 शीट्स बना लेनी है, मतलब GS 1 2 3 4 तो बनाना ही है। GS 1 2 3 4 में भी सेग्रीगेशन कर लीजिए, लाइक ज्योग्राफी, लाइक इकोनॉमी। सो आगे से कोई भी टॉपर्स की आप कॉपी एनालाइज करें ना, सो डू इट सब्जेक्ट वाइज, रादर डूइंग इट इन अ सिंगल पेज, डू इट ए सब्जेक्ट वाइज। लाइक ज्योग्राफी में एलिनो लादिनो के ऊपर कोई क्वेश्चन किसी ने, टॉपर ने लिखा है, श्रुति शर्मा ने लिखा है या कोई और टॉपर ने लिखा है, टेक डायग्राम्स फ्रॉम देयर, और एग्जाम में जब भी आता है मेक इट इन योर शॉर्ट नोट्स। और क्या करो कि एग्जाम में व्हाट एवर यू हैव रेड वो तो डालना ही है, बट जो टॉपर्स ने डाला है उसको भी इनकलकेट करो, और एक नया स्टाइल ऑफ मेथड निकलेगा जो आपका अपना होगा। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग कि
जो टॉपर्स के नोट्स है ना उनको भी अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो मेक योर ओन नोट्स, अपनी हाथ से जो लिखी हुई चीज होती है ना दैट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी सेव हो जाती है। तो या फिर व्हाट यू हैव टू डू इज GS1 के 3 कॉपीज यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू मेक नोट्स उसके मतलब सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन करके 3 टॉपर्स GS1 के AIR1 फ्रॉम 2017-18-19 GS1 इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सज्जन अगेन गिविंग यू GS4, GS4 के 17-18-19 GS4 इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। अनुभव आपने जैसे किया है तो आई एम गिविंग यू GS2 टूडे, GS2 का वही बट सब्जेक्ट वाइज, मतलब अगर आपने 2 टॉपर्स अभी के रिसेंट किया तो 2 16 से उठा लो। और AY, कैन आई नो योर इंट्रोडक्शन AY? सर माय नेम इज अंजलि। ओके अंजलि, सो अंजलि यू हैव टू डू GS2 हो गया, GS3 हो गया, यू हैव टू डू ऐसे कंसोलिडेशन, मतलब आपको ऐसे रेफर करने हैं सबके। और अविनाश यू हैव टू सी केस स्टडीज, हाउ पीपल आर राइटिंग केस स्टडीज 2017-18-19 गॉट एवरीबडी। विष्णु यू आर सेइंग समथिंग? Only one thing to add, for facts, for figures and some quotes, we have already have some books which we are referring. So you people don't need to make again notes. So we will share some of that valuable notes in this group. So everybody can utilize those. So some of the burden. But basically the purpose is to internalize the way the toppers are writing answer. Na? Like you saw. That Anubhav analyzed the answer, so he came to 2 styles of writing. Shruti was having another style of writing and other was having another style of writing. So our motto is to internalize the answer writing. What coachings are doing, they are just giving you material. But what our aim is to internalize the material, because aapko collector banna hai. You have to become a collector, not material collector. Na? So you don't be a material collector, try to internalize the things. Yashir, you got your goal? Am I audible? Yes, sir. Yashir? Yes, sir. So I need 100%. 100%. No excuse. It is an add-on. मतलब आप ये समझिए कि एम के यादव की क्यूपी सब जा रहे हैं, क्यू आई पी राव की सब जा रहे हैं, बट nobody is working on toppers copy. We are doing an additional work. So I am assuring you from this group, जो 40 लोग हैं, I am expecting top 50 from this group only. Top 50. That's why I'll soon change the name to top 50. Means rankers batch, rankers 50. So we will be running rankers 50 batch. Sajjan, you got your targets? Sajjan, am I audible? Sajjan? Yes. No excuse at all. Anubhav to kar hi raha hai. Anubhav, bas ye thoda sa improvement ki topic wise segregation plus ek sheet ko teen usme divide kar lo. Got my point, Anubhav? Hello, Anubhav? Haan, sir. Yes, sir. Got my point? Yes, sir. Mandar ka refer karke, us type se notes thoda sa bana lo, topic wise segregation. Theek hai. Bas itna improvement chahiye. Anjali, got my point? Aise? Yes, sir. Sir, aise mein... Aapko bhi aise... सर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब, जो हम अपने में नोट कर सकते हैं, वैसा कुछ ऐड करना? या मतलब उसमें उसमें ये देखो बेसिकली कि कैसे कैसे लिखे हुए हैं टॉपर्स ने ना, तो यू विल गेट अ ब्रॉडर आइडिया। मतलब 2017 से 3 टॉपर अगर आप एनालाइज करोगे, यू विल गेट थ्रू अ आइडिया कि हाउ टॉपर्स आर राइटिंग। यू विल गेट अराउंड 6 essays, 2 essays each होगा ना, तो 6 essays में आपको एक ब्रॉडर आइडिया लग जाएगा। 2-3 फिलोसफिकल होंगे, 2-3 टेक्निकल होंगे, तो यू विल गेट आइडिया टू हाउ टू राइट एसेज। उनसे मेन मेन मेजर पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना कि मतलब ऐसे का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ले लो एक एग्जाम्पल, कि इस पे ऐसे आया तो उस पे ये हेडिंग डालना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसमें कुछ एक मेजर पॉइंट्स की कुछ एक कोर्स उसने डाली होंगी, तो वो कोर्स दैट कैन बी रेप्लिकेटेड समवेयर एल्स। तो इस टाइप से थोड़ा नोट कीजिएगा। और बाकी जो अनुभव ने आज के सेशन में बताया, तो दैट वाज अ ब्रॉडर आइडिया कि कैसे कंसोलिडेशन करना है। बाकी आई टेक अ सेशन टुमारो। जयश्री आपका टारगेट, यू गॉट योर टारगेट? जो जो प्रेजेंट है अभी अपना नाम भेज देंगे ग्रुप में लिख के। एंड अविनाश यू आल्सो गॉट योर टारगेट, तो सबको समझ में आया? सर या सर ओके
जी ऐसे मैं कल बताइए। के लेक्चर में था नहीं, कैन यू जस्ट इलेबोरेट ऑन के प्रॉपर्स की आंसर कॉपी में क्या क्या चीज हमें मतलब उन्हें इवेलुएट कैसे करें, उन्हें कैसे एनालाइज करें हम तो? कुछ मतलब बस लाइक थोड़ा कि जनरल सा बता दो। मतलब एक ये देखिए कि फॉर एग्जांपल आपको एक प्रॉपर की कॉपी उठाई आपने, ठीक है, तो उसपे 20 क्वेश्चंस हैं। व्हाट यू हैव टू डू, सी सबसे पहले कॉपी उठाओ, उसमें देखो, एनालाइज करो कि हाउ प्रॉपर्स आर यूजिंग डेटा, फैक्ट्स, स्टेट्स, क्योंकि सब प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं, तो डेटा सबके पास बराबर है, स्टेट सबके पास बराबर है, फैक्ट सबके पास बराबर है। सी द क्रोनोलॉजी हाउ इट इज यूज, सी द इंट्रोडक्शन हाउ दे आर यूजिंग इंट्रोडक्शन, सी द एग्जाम्पल्स कैसे वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं। जैसे अभी अनुभव ने एक एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि यहाँ पे पंजाबी कॉलोनी रह रही है, यहाँ पे ये कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं। तो सी दोज काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच इज यूनिक इन दोज आंसर, मतलब उनके आंसर में क्या अलग है जो उनको टॉपर बना रहा है। यू हैव टू फाइंड दोज थिंग्स, उन चीजों को निकालो, प्लस अपनी इनोवेटिव राइटिंग, ये दोनों चीजें इनकलकेट करके मेन्स एग्जाम में रेप्लीकेट करके आ जाओ। नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, और टॉप 50 में इस ग्रुप से टॉप 40 बच्चे हमारे होंगे, आई एम श्योरिंग यू, इफ यू ऑल आर डूइंग द सेम थिंग। गॉट माई पॉइंट? यस, इट आई थिंक यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। No, I'm clear. I'll just do all the things and I'll share all the things tomorrow. Whatever lacuna are there, या you या just point them out. Then या that तो will बेसिकली be करना very करना क्या है, आप आई हैव शेयर्ड द नोट्स ऑफ मंदार पाठी, सी हाउ ही हैज मेड नोट्स, ही हैज सेग्रीगेटेड द शीट इनटू थ्री पार्ट, तीन पार्ट में सेग्रीगेट करो, और GS 1 2 3 4 की चार अलग अलग शीट्स बना लो, उसमें भी टॉपिक वाइज हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमी के अलग, और अब शुरू करो एनालिसिस। अब जो एनालिसिस होगा ना वो टॉपर की कॉपी का, उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल आ गया लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो सी सब्सिडरी अलायंस के ऊपर उसने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यू कैन डायरेक्टली रेप्लीकेट दैट फ्लो चार्ट इन योर एग्जाम। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी अलायंस का कोई क्वेश्चन आएगा तो थिंग्स विल नॉट चेंज इन मॉडर्न हिस्ट्री, वो बदलने वाला नहीं है। तो सेम एज इट इज यू कैन रेप्लीकेट। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेप्लीकेट। एथिक्स में यू कैन रेप्लीकेट। IR इज समवट सब्जेक्टिव, उसमें डाटा सेट थोड़ा चेंज हो सकता है, बट देयर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स कैन बी रेप्लीकेटेड अगेन। लाइक गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का एक वो है डायग्राम, आई शेयर विथ यू, तो वो डायग्राम हर जगह डाल सकते हो आप। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? हाउ वॉज द सेशन ऑफ टूडे? तो अनुभव, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा काम किया आज, आई अप्रिशिएट योर वर्क। एंड सज्जन यू ऑल्सो, आपने नोट शेयर नहीं करे आपने, तो बेसिकली कल को सभी लोग अपने नोट शेयर करेंगे, लाइक अनुभव हैज डन, आई शेयर द नोट्स ऑफ अनुभव इफ इट इज नॉट विजिबल टू न्यू पीपल हु आर देयर। विष्णु, वुड यू लाइक टू से सम एंडिंग वर्ड्स? या एक्चुअली आई शेयर्ड सम टॉपर्स आंसर्स बुकलेट इन दैट वेबसाइट, यू जस्ट रेफर विशाखा यादव आंसर शीट्स, ओके, शी रोट वेरी गुड आंसर्स रिगार्डिंग मेंस, सो दैट विल गिव यू गाइडेंस हाउ टू राइट मेंस आंसर्स। शी रोट ब्यूटिफुली, दैट थिंग इज वेरी मच सफिशियंट टू राइट अ गुड आंसर। ओके या यू जस्ट रेफर दैट फॉर टुमारो, वी विल कंट्रीब्यूट सम मोर एल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो होप दिस सेशन वाज यूजफुल आप लोगों के। मुझे लगता है कि ये सेशन किसी भी और कोचिंग के सेशन से मोर वो होगा। अनुभव, आई थिंक यू आर लर्निंग मोर, और बाकी यासिर और बाकी लोग भी कल से करेंगे मेहनत। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि मेन सभी जोशी, को वन क्वालिफाई सेकंड करना है इस बार। या फॉर अंजलि, अंजलि आर यू लिसनिंग? यू आस्क्ड अबाउट एसए, राइट? यस सर। वी विल शेयर सम टॉपर्स एसएस, लाइक द मोस्टली बेस्ट वन, द बेस्ट वन वी विल शेयर यू, ओके, इन द ग्रुप। सो लाइक डोंट रेफर एज लाइक मेनी एज हाँ डोंट रेफर एज मेनी एज टॉपर्स कॉपी, इट विल कंफ्यूज यू, सो वी विल शेयर द बेस्ट कॉपीज, सो यू कैन रेफर टू दस, देन यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया हाउ टू राइट एसे। ओके सर। ओके ओके सर, सो वी जस्ट आर वन एंडिंग द मोर थिंग, सेशन। कैन यू सजेस्ट सम, लाइक यू मस्ट बी नोइंग कि इस साल के GS 1 के टॉपर्स कौन है, या फिर पिछले साल के जिनकी अच्छी कॉपीज है उनको रेफर करना चाहिए, या फिर जो है जो श्रुति शर्मा है, श्रुति नहीं शर्मा है, या फिर नहीं जागृति अवस्थी?
या फिर सी व्हाट यू हैव टू डू इज सब्जेक्ट वाइज अगर टॉपर मिल जाए तो दैट इज मोर बेटर, क्योंकि हो सकता है कि टॉपर जी श्रुति शर्मा हो तो उसके जीएस में मतलब बहुत बेकार नंबर हो, उसका अच्छा ना हो, तो यू हैव टू रेफर सब्जेक्ट वाइज टॉपर, अगर वो हो तो वो ज्यादा बेटर है। आई शेयर द इनसाइट्स विद यू कि कौन कौन से ईयर में कौन सा टॉपर रहा है इधर, बस यही मैं चाह रहा था ना कि वो शेयर कर देंगे तो फिर टॉपर की कॉपी से ही हम सीख सकेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। Today you people just refer Vishakha Yadav's copies, just enough. Those copies will give basic idea how to write any mains answers. So basically, jo jo session mein present hai, please mark your name. I'll give you the targets. Who is going to do what? क्योंकि efforts को आपको individualize करना है, मतलब efforts को जितना ज्यादा divide कर लो ना, अगर एक ही मतलब सभी लोग 1 2 3 4 GS 1 2 3 4 को करेंगे तो मतलब double effort लगेगा. So this group is to divide your efforts. GS1 एक करेगा, GS2 एक करेगा, GS3 एक करेगा, GS4 एक करेगा, तो डेफिनेटली शॉर्ट टाइम में ज्यादा आउटपुट आएगा इस ग्रुप का। गेटिंग एवरीवन? तो आई एम टुडे सेशन इज ऑल, तो जाते जाते कल भी एक शायरी बोली थी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, फॉर दोज हु आर फ्रॉम साउथ जस्ट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो भी नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से जब कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दीज आर दोज बेसिक तिनका तिनका, जिनको उठा के आपको अपना घोंसला बनाना है, ठीक है? तो मिलते हैं कल उससे भी बेटर, मतलब उसके साथ। तो आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू विष्णु फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।